लोमड़ी का नाम मिस्टर फॉक्स है। ये बहुत ही चालाकी से चोरी करता है और उसी से अपना गुजर बसर करता है। एक दिन वो चोरी करके चालाकी से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार वो अपनी कोशिश में फेल हो जाता है। वो गलती से एक पिंजरे में कैद हो जाता है। मिस्टर फॉक्स के साथ साथ उसकी बीवी भी पिंजरे में फंस जाती है। अब उस पिंजरे में दोनों के काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उसकी वाइफ उसे बोलती है, मिस्टर फॉक्स हम कितने दिन यहाँ रहेंगे, जल्दी से कोई प्लान बनाओ जिससे हम यहाँ से निकल पाए, और तुम ये सारे बुरे काम छोड़ दो जिससे दोबारा हम कभी पिंजरे में कैद न हो पाए। फिर मिस्टर फॉक्स अपना सातिर दिमाग चलाता है और उस पिंजरे से बाहर निकल जाता है। वहां से निकलकर मिस्टर फॉक्स एक सुनसान जगह पर एक घर बनाता है जहां उसे कोई देख न पाए। वहां उसके घर के बगल में एक चिकन फार्म भी था, इसलिए उसे रोज रोज खाना आसानी से मिल जाता था। उसी दौरान उसका एक बेटा पैदा हो जाता है। उसके बेटे को अकेलापन महसूस न हो इसीलिए उसके कजिन को भी अपने घर बुला लेता है, लेकिन मिस्टर फॉक्स के बेटे को उसका कजिन बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी चिकन फार्म का मालिक देखता है कि दिन ब दिन उसका चिकन कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मिस्टर फॉक्स ये चिकन चुराता है।